हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिनय और आप लोग देख रहे हो बिनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक। ये नया फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो एप्लीकेबल रहेगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में, कितना आप लोगों को मैच्योरिटी मिलेगा पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट स्कीम में और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितना मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो ये स्कीम में पोस्ट ऑफिस का, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला क्राइटेरिया जो है आप लोग सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट दोनों फिक्स डिपॉजिट स्कीम में ओपन कर सकते हो, ठीक है। और गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर जो है ये अकाउंट ओपन कर सकता है, कोई भी गार्डियन किसी भी माइनर के बिहाफ में ये अकाउंट ओपन कर सकता है। और माइनर अबव 10 ईयर कैन ओपन द अकाउंट, माइनर कोई अगर 10 साल के अबव है वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है और एनआरआई पर्सन जो है ये अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसका इस स्कीम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप लोग जितना चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। और नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल है ये स्कीम में, फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पोस्ट ऑफिस में। और एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, आप लोग जितना चाहो उतना अकाउंट ओपन कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में एफडी रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज किया है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफडी इन ईयर्स अर्लियर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा था और फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फर्स्ट ईयर के लिए पहले जो था 5.50 था और अभी जो है 6.60 कर दिया गया है, यानी कि 1.10% तक का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है एफडी रेट, ठीक है। टू ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले जो था 5.70 अभी जो है 6.80, यहाँ पे भी 1.10% का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। और थ्री ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले जो था 5.80 था अभी जो है यहाँ पे भी 1.10% का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है। और पोस्ट ऑफिस में कोई भी 4 ईयर का टीडी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। और 5 ईयर का टीडी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6.70 था पहले और अभी जो है 7% कर दिया गया, यानी कि 0.30% का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। अकाउंट जो है 5 साल में मैच्योर होता है, फिर 3 साल में, फिर 2 ईयर्स में, फिर 1 ईयर में, ठीक है, एज पर दिस चार्ट, ठीक है। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रीमैच्योर क्लोजर के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रीमैच्योर क्लोजर जो होगा वो अलाउड है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद आप लोग क्लोज कर सकते हो। और इंटरेस्ट जो है वो एनुअली बेसिस पे पेमेंट होता है। या ये स्कीम में ध्यान रखना है आप लोग को नो हाफ ईयरली, नो मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को एक ही टाइम में पेमेंट होगा फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पोस्ट ऑफिस का, लेकिन बैंक में जो होता है उसमें आप लोग को हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है अंडर 80C के अंदर, ठीक है। और नो TDS इज बिन कट ऑन मैच्योरिटी, कोई भी TDS कट नहीं किया जाता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर। तो पहले जो है मैच्योरिटी कैलकुलेशन 1 ईयर का मैं पहले आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FD इन ईयर्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट गेंड और टोटल इंटरेस्ट। 1 ईयर का जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6.60 है इंटरेस्ट रेट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख अगर आप लोग करते हो तो इंटरेस्ट जो गेन होगा 1 ईयर में वो है 6765.15 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,67,65.15 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो 2 लाख रुपये, इंटरेस्ट जो गेन होगा वो है 13,530.31 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलेगा वो है 2,13,530.31 रुपीज। अगर आप लोग 5 लाख इन्वेस्ट करते हो 1 ईयर के लिए तो इंटरेस्ट जो गेन होगा वो है 33,825.77 रुपीज और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 5,33,825.77 रुपीज मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 7 लाख रुपीज है तो टोटल इंटरेस्ट आप लोग जो गेन किए होंगे वो है 47,356.08 रुपीज और टोटल इंटरेस्ट 1 साल में जो मिलेगा वो है 7,47,356.08 रुपीज़। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 10 लाख रुपीज़ है और फॉर 1 ईयर के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 67,651.54 रुपीज़ मिलने वाला है और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलेगा वो है 10,67,651.54 रुपीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 15 लाख है 1 साल के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 1,14,77.31 रुपीज़ और टोटल इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो 16,00,000
1477.31 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 20 लाख का है और एक साल के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है 1,35,303.09 रुपीस यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग गेन किए होंगे वो है 21,35,303.09 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है ये 1 ईयर के लिए कैलकुलेशन था, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 2 ईयर का कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 1 लाख फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 6,975.38 रुपीस मिल जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 1,13,950.76 रुपीस मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 2 लाख है तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो है 13,950.76 रुपीस। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 2,27,901.51 रुपीस मिलेगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 5 लाख रुपीस है और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग गेन किए होंगे वो है 34,876.89 रुपीस मिलने वाला है। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलेगा वो है 5,69,753.78 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 7 लाख है तो टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 48,827.64 रुपीस। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 7,97,655.29 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 10 लाख रुपीस है फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 69,753.78 रुपीस मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 11,39,507.56 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 15 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,46,030 रुपीस मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 17,09,261.33 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 20 लाख रुपए है, टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग गेन किए होंगे वो है 1,39,507.56 रुपीस मिलने वाला है। और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 22,79,015.11 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 2 ईयर्स के लिए था, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 3 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फॉर 3 ईयर्स। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.90, और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 7,080.60, और टोटल इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो है 1,21,241.80 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख है और इंटरेस्ट रेट जो है 6.90 और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 14,161.20 रुपीस मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 2,42,483.60 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीस है और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 35,403 रुपीस मिल जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 6,62,008.99 रुपीस मिलेगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 7 लाख रुपीस है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 49,564.20 रुपीस मिलने वाला है। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग गेन किए होंगे वो है 8,48,692.59 रुपीस मिलने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख है तो इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 70,806 रुपीस, और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 12,1417.99 रुपीस मिलने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपीस है, इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,62,108.99 रुपीस, और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 18,18,626.98 रुपीस मिलने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 20 लाख रुपए है और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,41,611.99 रुपीस मिलने वाला है। और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलेगा वो है 24,24,835.97 मिलने वाला है। तो ये था मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फॉर 3 ईयर्स का। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन फॉर 5 ईयर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5 ईयर का जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर 1 लाख रुपीज़ है, इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 7,185.90, और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलने वाला है वो है 1,35,929.49 रुपीज़ मिलने वाला है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है, इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 14,371.80 मिलने वाला है, और टोटल इंटरेस्ट जो है 2,71,858.99 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है, टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 35,929.49 रुपीस मिलने वाला है, और टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग को मिलेगा वो है 6,79,647.47 रुपीस मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 लाख रुपीस है, इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 50,301.29 रुपीस, और टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 9,51,506.46 रुपीस मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपीस है, इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 71,858.99 रुपीस मिलने वाला है, और टोटल इंटरेस्ट जो है 13,59,000
294.95 रुपीस यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख रुपीस है और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे 5 साल में वो है 1,77,188.48 रुपीस मिलने वाला है और टोटल इंटरेस्ट जो मिल जाएगा वो है 20,38,942.42 रुपीस मिल जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 20 लाख रुपए है और इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 1,43,717.98 रुपीस मिल जाएगा और टोटल इंटरेस्ट जो गेन किए होंगे वो है 27,18,589.89 रुपीस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये था मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फॉर 5 इयर्स, 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर। और पोस्ट ऑफिस में ध्यान रखने वाला बात है, कोई भी 4 ईयर का एफडी स्कीम नहीं है, ठीक है। पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया हूँ मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बारे में फिक्स डिपोजिट स्कीम का पोस्ट ऑफिस में। और आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट बैंक ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज कर दिया गया है और 7% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिल जा रहा है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस का ये स्कीम में कोई भी मंथली, क्वार्टरली या हाफली बेसिस में इसमें नहीं मिलता है पैसा, ठीक है। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हो फॉर 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स, 2 ईयर और 1 ईयर के लिए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।